नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक टैक्टिक्स, जिसमें आज हम देखेंगे डिस्कवर्ड अटैक। सबसे पहले उसका मीनिंग देखेंगे। डिस्कवर्ड अटैक का मीनिंग है, मेरे दो पीसेस एक लाइन में आगे और पीछे आएंगे। मैं आगे वाले पीस को कहीं चलूँगा कि जिससे वो ब्लैक के किसी एक पीस पे अटैक करेगा, और उसी वक्त पीछे बैठा हुआ जो मेरा दूसरा पीस है वो भी उसी वक्त ब्लैक के दूसरे पीस पर अटैक करेगा। अब ये कैसे होगा अब हम देखते हैं। अगेन मैं पीसेस की नंबरिंग कर रहा हूँ, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर एंड 4 नंबर। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि इस पोजीशन में क्या माइनस किया जा सकता है। तो सबसे पहले मैं A1 पे बैठे हुए रुक को माइनस करूँगा, क्योंकि उसके पास और कोई इफ़ेक्टिव मूव नहीं है। यहाँ पर मैं क्वीन को भी माइनस करूँगा, क्योंकि क्वीन भी अभी एट प्रेजेंट कुछ नहीं कर रही है। मैं इस बिशप को माइनस करूंगा, क्योंकि बिशप B6 अगर मैं खेलता हूं तो मुझे उसका कुछ फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि ब्लैक अपनी क्वीन को वहां से हटा लेगा। वो Qa8 खेल सकता है या Qc8 खेल सकता है। तो अब मेरे पास एक ही ऐसा पीस बचा है जिसका सॉल्यूशन मूव है, जो कि है अटैकिंग मूव, कैप्चरिंग मूव, सेक्रीफाइस मूव एंड फोर्स मूव। तो इन चार में से जो मेरा फर्स्ट मूव है Nxd7, ये मेरा कैप्चरिंग मूव है। यहाँ पर मैंने ओपोनेंट के एक 3 पॉइंट को कैप्चर किया है। अब यहाँ पर अगर ब्लैक ने Qxd7 खेला तो अब डिस्कवर्ड अटैक की पोजीशन बोर्ड पर अरेंज हो गई है। बिशप आगे है, क्वीन पीछे है। अब मैं बिशप से चलकर यहाँ पर ये पॉन मारूंगा, बिशप क्रॉस G7 चेक दूंगा। अब ब्लैक के ऊपर है कि वो इस सेक्रीफाइस को एक्सेप्ट करता है K×G7 मार के, या वो KG8 खेलता है। दोनों ही कंडीशन में मैं यहाँ पर जो पीछे बैठा हुआ मेरा दूसरा पीस था क्वीन, मैं Q×D7 खेलकर उसका मटेरियल एडवांटेज में गेन कर लूँगा। तो ये फर्स्ट एग्जाम्पल था। अब हम सेकेंड एग्जाम्पल देखेंगे। अब ये सेकेंड एग्जाम्पल है डिस्कवर्ड अटैक का। इस पोजीशन में भी वाइट टू प्ले ही है। अब यहाँ हम फिर से देखेंगे कि सॉल्यूशन क्या आना चाहिए। अब वाइट टू प्ले है, मैं फिर से पीसेस की नंबरिंग करता हूँ, और अटैकिंग मूव, कैप्चरिंग मूव, सेक्रीफाइस मूव और फोर्स मूव, इन चार में से कोई एक कॉम्बिनेशन या एक से ज़्यादा कॉम्बिनेशन मैच हो सकती है। तो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर एंड 5 नंबर। अब प्रेजेंटली ये हो रहा है कि मैं कौन से पीस को माइनस करूं। तो सबसे पहले मैं क्वीन को माइनस करना चाहूंगा, क्योंकि ये अभी कुछ नहीं कर रही है। सेकंड में माइनस करना चाहूंगा H3 पे रखे हुए बिशप को, क्योंकि अपने फर्स्ट मूव में ये भी कुछ नहीं कर रहा है। अब मैं माइनस करना चाहूंगा इस नाइट को। क्यों? क्योंकि अगर नाइट ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर चेक दे सकता है, तो अगर मैंने नाइट H6 चेक दिया तो ब्लैक भी G×H6 पर मेरा नाइट मार सकता है, जिसका मुझे खास एडवांटेज नहीं मिलेगा। तो अब बात आ रही है कि क्या खेला जाए। तो आंसर इन दोनों रुक में से एक है, और आप जानते ही हैं कि पीछे वाला रुक कुछ नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे आंसर है R×D7। अब यहाँ पर ब्लैक क्वीन से नहीं मार सकता, तो वो खेलेगा Nxd7। अब फिर से अगर यहाँ पे स्टूडेंट्स चाहे, प्लेयर चाहे, तो लॉजिकली आंसर ढूंढ सकते हैं। अगेन अगर आपको आंसर नहीं मिलता है तो फिर से आप नंबरिंग करेंगे फ्रॉम ए फाइल टू एच फाइल, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर एंड 4 नंबर। अगेन मैं चेक दूंगा तो कुछ फ़ायदा नहीं है, क्योंकि Nxh6 चेक, G×H6, उस पर मैंने R×D7 खेला, तो एक मटेरियल दे के दूसरा मटेरियल लेने में कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसका मतलब फिर से क्वीन अभी कुछ नहीं कर रही है, 1 नंबर कुछ नहीं कर रहा है, नाइट भी कुछ नहीं कर रहा है, ये बिशप भी कुछ नहीं कर रहा है। तो अगेन यहाँ पर आंसर है ये वाला पीस, जो कि है 2 नंबर R×D7। अब अगर ब्लैक ने इस सेक्रीफाइस को एक्सेप्ट किया Q×D7 खेलकर, तो अब यहाँ पर डिस्कवर्ड अटैक की पोजीशन बन गई है। डिस्कवर्ड अटैक का फिर से मीनिंग मैं बताता हूँ। मेरे दो पीस एक लाइन में आगे और पीछे आएंगे। यहाँ पर इस बार वो क्रॉस लाइन में है,
आगे वाला चलकर किसी पीस पे अटैक करेगा और उसी समय उसके पीछे बैठा हुआ पीस ब्लैक के किसी और पीस पे अटैक करेगा। तो अब मैं यहाँ पर खेल रहा हूँ नाइट एच सिक्स डिस्कवर्ड चेक अटैकिंग मूव सेक्रीफाइस मूव। अब ब्लैक के ऊपर है कि वो इस नाइट को मारता है या के एफेट खेलता है। मान लीजिए मार दिया क्योंकि चेक है, तो अब मैं यहाँ पर मटेरियल एडवांटेज लेने के लिए खेलूँगा बिशप क्रॉस डी सेवन। तो आपने देखा किस तरह से मैंने डिस्कवर्ड अटैक टेक्निक यूज़ करके बोर्ड पर मटेरियल एडवांटेज लिया। मेरी ये दोनों मेथड आपको लगभग सभी तरह की टैक्टिक्स को सॉल्व करने में काम आएगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, सबके साथ शेयर करिए और मेरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।